खोपड़ी टंगी है। तो जिन्हें पुराना घर देखना पसंद है, पुराना चीजें वस्तु पसंद है, जो पहले जमाने हुआ करता था। गलियां देखिए कितनी अच्छी दिख रही हैं, इधर से जाओ एक घर, इधर से जाओ एक घर। ये सही जगह, ये आंगना है, बिहार में हम लोग आंगना बोलते हैं इसको। इतना छोटा घर, इसमें पूरे गांव वालों का खाना बनता होगा। तो जय हिंद, फिर से आ चुके हैं मानव संग्रहालय में, क्योंकि मेरा ब्लॉग जो मैं पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा वो ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया, तो अभी वही जा रहा हूँ शूट करने आप लोग को दिखाने। तो उस दिन आए थे तो टिकट अलग मिला था, ये वाला टिकट प्रिंट करके मिला, वो पूरा मैप के साथ मिला था। तो चलो चलते हैं। तो अब चलते हैं हर राज्य का झोपड़ी देखने। झोपड़ी मतलब घर का जो बना रहता है, पुराने जमाने जो घर रहते थे वो यहाँ पे पूरा बनाया गया, हर राज्य का एक ना एक बना है ऐसा मेरे को पता चला। तो अभी चलते हैं, घूमते देखते हैं कौन सा झोपड़ी किधर का है। पूरा तो कवर नहीं करूँगा क्योंकि पूरा बनाऊँगा तो कम से कम आधा एक घंटे का वीडियो जाएगा। तो यहाँ से हमें एंट्री करना है, ये बड़ा सा देखिए गेट बना है, यहाँ से एंट्री करना है। तो चलो दिखाता हूँ कुछ कुछ झोपड़ी जो मेरे को अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगेगा देख के। तो अभी चलते हैं पहले वाले घर में, कुछ बाहर से इसका दृश्य ऐसे दिख रहा है, तभी अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं इसका दृश्य कैसे होता था। पहले देखिए, पहले के ज़माने यही होता था, हाथ से कलाकारी करके मूर्ति दीवारों पर बनाया जाता था। अभी भी जिसका मिट्टी घर हुआ करता था ऐसे ही कुछ चित्र आपको देखने को भी मिल जाएगा। चलो चलते हैं देखते हैं पहले घर में। तो हमको घुसते ही अंदर का दृश्य कुछ ऐसे दिखा, काश इसमें लाइट लगा के रखते, तो आज मेरे को दो दो लाइट लेके नहीं घूमना पड़ता। धान से चावल निकालने की प्रक्रिया, ये चूल्हा खाना बनाने के लिए यहीं पे चूल्हा हुआ करता था, और सोने के लिए बैठने के लिए यही रूम हुआ करता होगा। वाह मस्त है, क्या सीढ़ी से ऊपर चलेगा। अरे हम तो कहीं भी चल सकते हैं, आप लोग के लिए बस प्यार बनाए, आप लोग प्यार कैसे दिखा सकते हैं, सब्सक्राइब करके यार कर लो। देखिए ऊपर से कुछ यहाँ पे कुछ रखने वाला कोई सामान होगा, ये देखिए ऊपर से कुछ ऐसे दिख रहा। इतना ऊपर चढ़ गया हूँ सिर्फ किसके लिए, आप लोगों के लिए। बाप रे, बड़े बड़े पैर रखना पड़ रहा है। चलो एक रील्स बनाएंगे, यहाँ पे रील्स बनाता हूँ। तो अगर आप तो अभी आप लोग अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो नहीं किए तो जाके तुरंत फॉलो कीजिए, वो भी रवि साहब ब्लॉग सर्च मारेंगे तो आ जाएगा मेरा पहला ही ग्लास। ये सब पुराने जमाने का ही रखे हैं, वाह। सिल्वर लोड़ा मसाला पीसने के लिए, झाड़ू सब रखा है यहाँ पे। अभी भी काफी खूबसूरत लगा ये घर, काश मुझे यहाँ रहने देते। ये खटिया, तो यहाँ पे कुछ पुराने समय में जो बैलगन का गाड़ी यहाँ पे रखा है, तो ये देखिए यहाँ पे बैठने वाला, ये भी बैठने वाला ही है, इसमें कुछ सामान लोड करके ले जाने वाला था। और ये भी वही है, बस ये बड़ा सा है, तो ये भी काफी खूबसूरत है। ये देखो मेरे पीछे कितनी बड़ी कढ़ाई है, इसमें पूरे गाँव वालों का खाना बनता होगा, सब गांव वाले के लिए खाना बन रहा है। तो जिन्हें पुराना घर देखना पसंद है, पुराना चीज़ें वस्तु पसंद है, जो पहले जमाने हुआ करता था, तो एक बार भोपाल के मानव संग्रहालय में आ जाओ, कसम से बोल रहा हूँ दिल लग जाएगी। ये मैं तीसरी बार आया हूँ, कितने बार तीसरी बार, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये एक घर है जिसका आंगन, ये आंगन बोले या फिर द्वार बोलते हैं, है जो काफ़ी बड़ा है। ये पूरा मिट्टी से बना है और ये घर का यूज़ किया है। क्या खुलेगा यार? नहीं खुलेगा, पीछे से जाना पड़ेगा, हम लोग गलत रहेगा, पिछवाड़ा से नहीं जाना चाहिए पीछे से। ये घर था झारखंड का, जो झारखंड में ऐसे झारखंड बिहार में मोस्टली ऐसे आपको घर मिलेंगे। अब नहीं मिलेंगे। चलते हैं अंदर देखते हैं कैसा है। यहाँ पे कुछ स्टोर करके रखने वाला होगा। और वाह, ये सही जगह, ये आंगना है, बिहार में हम लोग आंगना बोलते हैं इसको, जो चारों तरफ से घर रहेगा और खुला आसमान रहेगा बीच में, उसको आंगना बोलते हैं। तो यहाँ से खोलने की कोशिश किया था, नहीं खुला था, कोई बात नहीं, इधर से तो खुला। और यहाँ पे ये खटिया है सोने वाला, यस बेडरूम होगा। तभी दूसरा वाले घर में चलते हैं, इसका ही दूसरा पार्ट घर बने, तो इधर भी चलते हैं। तो अंदर आते, यहाँ पे चूल्हा है खाना बनाने के लिए, यहाँ दिया रखने के लिए होता था पहले, बिहार से हूँ इतना तो मेरे को मालूम है। यहाँ पे भी दिया रखने के लिए है, और
ये सिलवट है और अंदर इधर सांपों का डर लगेगा थोड़ा बहुत। यहाँ पे कुछ पुराने सामान रखे हैं, ये पीढ़ी पहले के जमाने में पीढ़ी होती थी, मेरे जब तक मैं पैदा हुआ था तब तक ये मेरे होश में था कि इसको पीढ़ी बोल के ये धागा से पूरा बांध रखा बैठने के लिए। और ये आई थिंक नहीं मालूम, सॉरी ये नहीं मालूम। और यहाँ पे ओखली बोला था ना जिससे धान से चावल निकालते, यहाँ पे भी है। वहाँ पे दाल निकालने के लिए, ये पिछला ब्लॉग में सब दिखा चुका हूँ, अगर आप लोग देखे नहीं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। तो फिर चलते हैं दूसरे घर में, देखते हैं दूसरा घर कैसा है। वो थोड़ा अमीर पार्टी का घर था और ये वाला भी देखते हैं। वाह, आते ही पहले जमाने में तुलसी ही गेट पे रहते थे, अब भी नहीं दिखते हैं तुलसी। और वहाँ पे जो लोग मच्छी वच्छी मारने के लिए यूज़ करते थे शायद ये वही है। और घर भी काफ़ी अच्छा है, देखिए घर, यहाँ पे खाना बनाना कुछ स्टोर करने वाला। वाह अच्छा है, चलो अंदर से भी दिखाता हूँ। ये सोने के लिए, ये लालटेन, ये लालटेन है देखिए, वहाँ पे दिया रखने के लिए। ये पे भी दो माला बना दिए, ये सीढ़ी देखिए इनका बना है ऊपर जाने के लिए। वाह ऊपर जाके फिर कुछ ऐसा दिख रहा है, फेस इंटरफेस कुछ ऐसा दिख रहा है जो काफ़ी अच्छा है यार, सही है। देखिए सीढ़ी मिट्टी का ही सीढ़ी बना है। एक बात अच्छा ये लगा कि यहाँ पे कैंटीन है जो हम लोग कुछ ना कुछ खा सकते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ, खाता हूँ, भूख बहुत तेज़ लगी है। चलो कैंटीन में दिखाता हूँ कैसा बना है। देखिए कैंटीन पुराने ज़माने की तरह बना है, यहाँ पे बैठने के लिए है। तो कुछ लेते हैं खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे खाना 70 रुपये प्लेट मिल रहा है, जिसमें सब्जी मिलेगा, दाल और कुछ अचार और सलाद उलाद मिलेगा ये कैंटीन में। तो मुझे तो सोयाबीन की तो सब्जी मैं नहीं खाता, तो मैं चावल दाल नहीं खाऊंगा, मैं समोसा खाने वाला, सोयाबीन का सब्जी नहीं खाता मैं। तो यहाँ पे सिर्फ सोयाबीन और आलू मिक्स है, अच्छा खाना है भाई, लेके बोल रहे टेस्ट मस्त है। तो अगर आप लोग कभी विजिट कीजिए तो यहाँ पे खाना एक बार जरूर टेस्ट कीजिए। ये मैंने लिया खाने के लिए क्योंकि मुझे सोयाबीन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी चलता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ नागालैंड का जो जनजाति थे वो लोग कैसे रहते थे, उनका घर कैसा रहता था। चलो दिखाता हूँ, यहाँ से एंट्री होगा नागालैंड जाने के लिए, तो इसी बहाने नागालैंड भी हम लोग घूम लेंगे। चलो नागालैंड, ये घर देखिए काफ़ी खूबसूरत घर बने, लेकिन दरवाज़ा बहुत छोटा है, इनका दरवाज़ा बहुत छोटा है। तो दिखाता हूँ नागालैंड वाले लोग का घर कैसे था। आते ही मैं डर गया, नागालैंड वालों का घर देखा तो क्यों डरा, खोपड़ी टंगी है गाय भैंस बैलों की, देखिए जानवरों की खोपड़ी टंगी है यहाँ पे। बाप रे, ये रहा नागालैंड वालों का घर देखो। पहले तो कुर्सी हुआ नहीं करता था, मेहमान आएंगे तो कैसे बैठेंगे, लकड़ी का कुर्सी बना है। आइए आराम से पलथरिया मार के, काफी खूबसूरत ये भी, वाह लेकिन गिर जाएंगे। ये रहा कुर्सी पहले का, चलते उस साइड देखते अब क्या है, सब लिखा है, आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। जनजाति चरखे संघ नागा क्षेत्र फेका नागालैंड, और उनका वो बैठने का कैंपस था, ये बैठने का कैंपस है, मतलब यहाँ बैठने का, ये देखिए बैठने के लिए जगह था पूरा। देखिए पटरी का घर बना है, पटरी से चारों तरफ से घेर के फिर ऊपर से खर रखा है, ये मणिपुर का घर है। पहले के ज़माने में कुछ ऐसा ही घर हुआ करता था, ऐसा लग रहा नहीं ये बाहर गिर जाएगा। और मेरे पीछे पूरा बांस का यूज़ करके ये घर बना है, ये पूरा बांस के जो कमची होता है छोटा छोटा पतला पतला उससे ये घर बना है, लेकिन ऊपर खरी रहेगा नहीं तो ऐसा कपड़ा रहेगा। ये बंद हो चुका है यार, लेकिन खोलेंगे भैया, अभी बंद करके गए फिर मैं लगा दूंगा। ऐसा खुलता होगा, खोले घुसे, ये जमीन से ऊपर है इनका बेस, देखिए टाइल्स मार्बल नहीं, ये सब बांस का बना है कमची द्वारा, सही है। देखिए काफी खूबसूरत है यार, लेकिन हिल रहा चलने पे, देखिए पूरा बांस के कमची से बना है।
अभी के जमाने में टाइल्स लग रहे ना, पहले टाइल्स नहीं हुआ करता था। काफी सही जगह है। तो अभी खोले हैं तो ईमानदार से बंद करना बनता है ना। तो देखिए इसको ऊपर से लगा दिए, दरवाजा लॉक। और गलियां देखिए कितनी अच्छी दिख रही हैं। इधर से जाओ एक घर, इधर से जाओ एक घर, ये गलियां काफी खूबसूरत है यार। ये शाम का नजारा, मुर्गी पालन होता होगा फिक्स है, ये मुर्गी पालन का जगह है। टॉयलेट भी खपड़े का बना है, जैसे पुराने जमाने में खपड़े का घर बना हुआ करता था ऐसे बना है। फिर देखिए पूरा मिट्टी से बना है, मेरे को लगे ईटा यूज हुआ है वो नहीं होगा, ये पूरा मिट्टी से बना है। ढोल आगे लगा है, काफी खूबसूरत जगह है। तो अभी चलते हैं गुजरात के घर में। गुजरात का घर कुछ ऐसे बनता था, बाहर का ऐसे दिखेगा और अंदर से ड्राइंग काफी अच्छे से ड्राइंग किए गए हैं। ये देखिए गुजरात का कुछ ऐसा घर हुआ करता होगा, खटिया है यहाँ पे, ये मेरे को नहीं मालूम, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए गुजरात वाले है क्या। तो हाइट बड़ी है इसके वजह से थोड़ा झुक के चलना पड़ रहा है। ये सब छोटा छोटा ही है, ये देखिए यहाँ पे ये चूल्हा, सही जगह। तो भी गुजरात का भी घर दिखा दिया आप लोग को, झारखंड का दिखा दिया, अरुणाचल का दिखा दिया और नागालैंड का भी दिखाया। बंद होने वाला यार, हमेशा गलत टाइम पे आता हूँ मैं। ये क्या है, फांसी देने वाला है क्या? शायद हो भी सकता है। ये ओडिशा का घर है, ये देखिए इनमें ये खास बात है, ये सिर्फ लकड़ी, ये लकड़ी यूज किया है पाई के लिए, मतलब मजबूती के लिए ये लकड़ी यूज किया है ओडिशा वालों के घर। ये देखिए लिखा है। तो ये भी घर देखिए कितना बड़ा है, खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा, अरे लग गया। कितना बड़ा घर, कब पहले के लोग छोटे छोटे होते थे क्या? ये देखिए भाई यहाँ बैठ के जाना पड़ेगा तब देखिए निकलना पड़ेगा, ये कितना छोटा है। ऐसे लोग हुआ करते थे क्या छोटे छोटे? हे भगवान। ये भी घर है, ये कहाँ का घर है? ये ओखली, हर घर में ये ओखली मिलेगा आप लोग को। तो अभी चलते आसाम, आसाम घूमने चलते हैं, आसाम का घर कैसा होता था दिखाएंगे। एंट्री करते हैं, इसे कुछ मिला और ये घर देखिए यहाँ पे बांस और लकड़ी, यहाँ से सब कुछ है। एक दो तीन चार पाँच छः, छः घर बना है जिसमें एक में ताला लगा है, दो तीन में दरवाज़ा नहीं है, नहीं इसमें दरवाज़ा है बट लॉक नहीं है, बाकी वाला लॉक है। ये देखिए ये आसाम के घर काफ़ी खूबसूरत है यार। अब आसाम और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार ये सब घूम लिए, अब बाकी है तमिलनाडु का घर देखने के लिए। तो ये देखिए ये है तमिलनाडु का घर, कुछ ऐसे बना ही होगा पहले, अब नहीं, अब सब बिल्डिंग में बना के रहे होंगे। अंदर इतना छोटा घर, दरवाजा बाप रे इतना बड़ा दरवाजा, हमारे लोग कैसे जाते होगा इसे अंदर। एक वहाँ पे भी है और ये रहा दो, वो भी होगा तीन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।